यूपी के अमेठी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी चंदन को हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए घटना स्थल पर ले गई थी। हालांकि इसी दौरान आरोपी चंदन ने एक पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को निशाना बनाकर फायरिंग की, जो उसके पैर में जा लगी। अमेठी में बृहस्पतिवार की देर शाम घर में घुसकर शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और दो बेटियां सृष्टि और लाडो की हत्या कर फरार हुए आरोपी को एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। देर रात एसपी अनूप सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पिस्टल नदारद थी, जिसे तलाशने के लिए मोहनगंज और सूरतनगंज की पुलिस आरोपी को लेकर मौके वारदात की तरफ जा रही थी। तभी आरोपी ने मौके पर तैनात एक दरोगा की पिस्टल को लेकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए तत्काल सीएससी ले जाया गया, जहां के बाद अभी उसे जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें वहीं उसी स्थान की हैं जहां देर रात आरोपी चंदन वर्मा और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, पुलिस ने यहां पर मार्क भी किया हुआ है। यही वो जगह है जहां आरोपी चंदन वर्मा ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल और पिस्टल को छुपाया था। पुलिस ने बुलेट और मोटर और पिस्टल को भी मौके से बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस की ओर से भी इस मामले को लेकर जानकारी दी गई। दिनांक 3/10/2024 को थाना सिवरतनगंज के ग्राम अघरवा भवानी में चार व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उपनिरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अमेठी में शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों की आरोपी चंदन वर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही मानो कोहराम मचा हुआ था। गुरुवार को अमेठी हैरान रह गया, क्योंकि सरे शाम उसके कस्बे अहुरवा में एक शिक्षक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक दंपत्ति के साथ उनके बच्चों को भी मारा गया। मैं इसी मकान पर मौजूद हूं जहां पर यह घटना घटी है। ये देखिए सामने चौराहा है, वहां से सटा ये मकान है और यहां पर सुनील कुमार शिक्षक रहा करते थे, जिनकी पोस्टिंग रायबरेली में है। दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी अपनी पत्नी के साथ हाल ही में कुछ महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ से जो उनका विद्यालय जहाँ पर वो तैनात थे वो बहुत दूर नहीं है। तो अवस्थी निवास में उन्होंने मकान जो है किराए पर लिया था और वहीं पर शाम को 7 बजे बदमाशों ने उनकी पत्नी और दो बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। चूंकि 4 लोगों की हत्या हुई तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। थाने की फोर्स जब पड़ोसियों ने सूचना दी, उसके बाद मौके पर पहुंची कि ये वो घर है जो अभी पुलिस ने बंद कर दिया है। यहाँ के पीछे हिस्से में कमरे में सुनील कुमार अपनी परिवार के साथ रहा करते थे, पड़ोस में ही पोस्टिंग है। जो जानकारी मिल पाई है अभी तक प्रारंभिक तौर पर, उसके मुताबिक जो ये शिक्षक परिवार है शाम को यहाँ पर अपने घर में मौजूद था और तकरीबन 6 से लेकर 7 बजे का समय रहा होगा। चौराहे पर यहाँ से जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर आरती चल रही थी। बदमाश आए और वहां पर बाइक लगाई, एक बदमाश जिसने बाइक लगाई, और चूंकि आरती की आवाज आ रही थी तो ऐसे में गोली चलाना बहुत ही आसान था। तो अंदर पहुंचे और चारों की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मौके से लगभग 9 कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें एक जिंदा कारतूस भी शामिल है। पुलिस की टीम जुट गई है, देर रात तक आसपास के इलाकों में पूछताछ की जाती रही, मकान में कहां कहां से एंट्री हो सकती है ये भी पता लगाया जाता रहा। नाम है भैया आपका? विनय कुमार। विनय भैया, कल जब घटना घटी, गोली मारी गई, तब उस वक्त आप पास में ही मौजूद थे? यहीं पर हमारा चौराहे के पास खेत है, तो यही आवारा पशु परेशान करते हैं, तो हम दिन भर यहीं रहते हैं। अच्छा। तो 7 बजे के करीब में यहाँ पंडाल में जब आरती शुरू हुई तो हम लोग यहीं थे। अच्छा। पंडाल के पास। अच्छा। तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर के संचालक हैं राम मनोहर यादव, अच्छा, उनके द्वारा पुलिस को बताई गई कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ भागे, पुलिस हमारे साथ थी,
राम मनोहर यादव जी हमारे साथ थे, सब लोग यहाँ पहुंचे। तो हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो रात चूंकि हो चुकी थी, 7 बजे था, लाइट थी। अच्छा। तो अंदर एकाएक सब लोग गए और बिल्कुल अस्तब्ध रह गए, क्योंकि 4-4 लाशें पड़ी थी, 2 बच्चे और शिक्षक और उनकी पत्नी। अच्छा, जो मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने निकलते भी लोगों को देखा होगा? जी नहीं, उन्होंने निकलते नहीं देखा, केवल फायर की आवाज सुनी। अच्छा, किसी को जाते नहीं, जाते आते मतलब कोई गौर नहीं करता किसी कमरे में कौन जा रहा कौन आ रहा, कोई मतलब नहीं, तो क्या मतलब देखने का। हाँ। तो इस तरह ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी। फायर सुनने के बाद उन्होंने थोड़ा सा सक्रिय हुए, जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ हो गया था। नहीं, गोलीबारी आवाज किसी को नहीं मिली। यहाँ एक अमित मेडिकल स्टोर है, तो नीचे राम मनोहर यादव रहते हैं उनके, जिसका मेडिकल स्टोर है। तो जब ऊपर आवाज होने लगी, वहाँ भाग के गए पंडाल के पास, जो पुलिस व्यवस्था थी उनको बोले कि यहाँ फायरिंग हो रही ऊपर। तो वो सब लोग भाग के आए, जब तक वो लोग पीछे से निकल गए, सामने से कोई नहीं निकला, पीछे सब लोग जो भी थे पीछे से निकल के गए। अच्छा, मारने वाले पीछे से भाग के गए। सामने चूंकि सब लोग थे, दुकानें खुली थी सबकी, पूजा चल रही थी माता जी की, तो ये सामने से कोई नहीं निकल गया, किसी ने देखा नहीं कि कितनी राउंड हुई है, कितने लोग थे, ये किसी ने नहीं देखा। सुनील कुमार जिस मकान में रहा करते थे उसका पिछला हिस्सा ये है, जो आसपास के लोग हैं और पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही है उसके मुताबिक जो बदमाश थे उन्होंने मेन गेट से एंट्री की और यहां पर सुनील कुमार का पूरा परिवार मौजूद था और मारने के बाद संभावना इस बात की है कि इस रास्ते से होकर यहां से वो फरार हो गए, क्योंकि यहां पर एक ब्लड की क्लॉटिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मारने के बाद फ्रंट गेट का इस्तेमाल ना करके पीछे के रास्ते उन्होंने इस छत पे आए और इस छत से वहां पर जो खेत है वहां से फरार हो गए। ये जो संभावना है पुलिस की वो ये है। और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये प्रत्यक्षदर्शी कुछ मौजूद हैं जो घर में आए थे। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ नोत्री। सिद्धार्थ, कैसी स्थिति थी जब आप यहाँ पर आए थे, कहाँ पे क्या? यहाँ पे ये पहले ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे वो मास्टर साहब थे, उन्हीं के जस्ट आगे उनकी वाइफ थी। अच्छा। वो जो ईटा पड़ा वहाँ पे उनकी बेटी पड़ी हुई थी, वहीं पे आगे थोड़ी सी मैगजीन, मतलब पूरा परिवार एक ही जगह पे था। तो बदमाश जब आए तो उन्हें पता था कि पूरा परिवार बाहर है, घटना को अंजाम वहीं पर दिया। जी जी। और क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पे, कितने मैगजीन भी पड़ी हुई थी? मैगजीन पड़ी हुई थी, कुछ चले हुए कारतूस और कुछ। अब वो सब नहीं, हमने मैगजीन फोटो में देखी थी। अच्छा। तो वही फोटो हम लोगों के पास है, तो मैगजीन देखी थी उसमें। अच्छा। तो पुलिस ने कारतूस भी बरामद किए, यहाँ के लोगों का कहना है मैगजीन भी थी और जो बच्चे थे वो भी बाहर थे, पति पत्नी दोनों बाहर थे। तो बदमाशों ने फ्रंट गेट से एंट्री ली, घटना को अंजाम दिया, समय भी रखा 7 बजे जब मंदिर में आरती चलती है, मतलब पूरी प्री प्लानिंग पहले से कर ली गई थी ताकि कहीं किसी को शक न हो। लेकिन गोली चलने की आवाज हुई तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी जो चौराहे पर मौजूद थी। जब पुलिस तक जब यहां तक पहुंची तो बदमाशों ने उस गेट का सहारा न लेकर, संभावना इस बात की पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से इस छत पर चढ़े, उस छत से उस छत होते हुए पीछे के रास्ते खेतों में फरार हो गए। हालांकि अब आरोपी चंदन वर्मा का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं पुलिस उससे पूछताछ में भी जुटी हुई है। जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।